फेस राइट धीरे से अपना चेहरा राइट की तरफ लेके जाइए मानसी साइड साइड प्लीज साइड हेलो स्लोली कम बैक हाय और बाय हाउ आर यू फेसिंग राइट एंड पुट योर फेस टुवर्ड्स अनदर साइड पुट योर फेस टुवर्ड्स अनदर साइड फेसिंग राइट क्या बोल रहे हो थोड़ा इधर आइए फेस इन फ्रंट एंड हैंग योर हेड डाउन क्लोज एंड जस्ट बी विद योर ब्रेथ अभी आपको सिर्फ आंखें बंद करनी है आजू बाजू में क्या है उसको सोचना नहीं है एंड जस्ट बी विद योर ब्रेथ मलाइका जी सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग मुंबई हैप्पी योगा डे सब सभी को विश यू ऑल क्या क्या करती हैं आप रोज की मॉर्निंग हमने यहाँ पे देखा है आज का यहाँ का कैसा रहा एक्सपीरियंस मैं पहली बार आ रही हूँ यहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे के लिए ना ये आई थिंक ये तीसरी साल है जहाँ पे ये इनिशिएटिव चल रहा है आई एम रियली हैप्पी दैट दैट रीबॉक हैज गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड मैं तो योगा रोज़ करती हूँ लाइफ में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग आए आज एंड सब साथ में योगा कर रहे हैं सो जस्ट फील्स रियली गुड व्हाट अ वंडरफुल डे टू स्टार्ट अ वंडरफुल मॉर्निंग हाउ इम्पॉर्टेंट योगा इज एज पर यू वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक एवरीबॉडी शुड इनकॉर्पोरेट अ लिटिल बिट ऑफ योगा इन देयर लाइफ एवरी सिंगल डे सिंस पास्ट 3 इयर्स वी आर सीइंग योगा इज गेटिंग अ लॉट ऑफ मोर मोटिव एंड अदर इट इज गोइंग अहेड अ लॉट सम टाइम इट इज ड्यू टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सम टाइम देयर इज पॉलिटिक्स बिहाइंड इट व्हाट डू यू फील अबाउट I think it's an initiative that is collectively done. So whether whoever from whichever angle, from whichever quarters it comes through, I think it's good because it's a fantastic initiative. So whether it is from our Prime Minister or whether it is from our various citizens that promote yoga or people like me that promote yoga, I think it's a good thing. मलाइका जी आप बहुत ही फिट रहती हैं और हमेशा ऐसा माना जाता है कि इंडस्ट्री में बहुत ही फिट माना जाता है आपको तो लोगों को फिट रहने के लिए क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे अपनी तरफ से योगा जैसे कि आपने और क्या क्या करना चाहिए आई थिंक जो भी आपके बॉडी के हिसाब से आपको फिटनेस उसके हिसाब से आपको करना चाहिए वॉट एवर इट मे बी अगर आप जिम जाए या अगर आप स्विमिंग करें आप रनिंग करें या जो भी है बट अगर आप उसके साथ अगर आप थोड़ा योगा भी करें रोज सुबह आधे घंटे के लिए आई थिंक वो परफेक्ट थैंक यू सो मच जल्दी आ जा हो गया मैडम रस्ते पे Malaika, she's come to say hi to you. You look lovely, Malaika. All the best. ऑल विल डू इट चन्मुखी मुद्रा वो कैसे करनी है ध्यान से देखिए अंगूठा आपके कान में जाएगा दिस टू फिंगर्स ऑन योर आईज देन योर दिस रिंग फिंगर ऑन योर नोज एंड देन योर बेबी फिंगर ऑन योर लिप्स सो ईयर आईज नोज लिप्स वेरी गुड एंड नाउ वी विल स्टार्ट रामली प्राणायाम इन्हेल इन एक्सेलेशन योग
Keep your eyes closed and release your hands. कुछ करना नहीं है, हाथों को रिलैक्स कीजिए और आंखों को बंद रखिए. जस्ट बी विद योर ब्रेथ फॉर अ मिनट ओनली एंड एंजॉय आफ्टर इफेक्ट ऑफ दिस ऑल प्राणायामिक प्रैक्टिसेस. हाथों को रिलैक्स रखिए, प्लीज अपनी आंखों को बंद रखिए और अपने सांसों के साथ बने रहिए. जस्ट बी विद योर ब्रेथ, ऑब्जर्व योर ब्रेथ, हाउ यू आर इनहेलिंग एंड हाउ यू आर एक्सहेलिंग, जस्ट फॉर अ व्हाइल. Okay, ji, we'll start with Jana Gana Mana, everybody. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. हैप्पी योगा डे. तो मरीन ड्राइव पर कैसा रहा योगा करने का एक्सपीरियंस? वेल, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ शायना जी का, टाइम्स ऑफ इंडिया का, मिकी मेहता का. एंड आज इंटरनेशनल योगा डे है एंड इनफैक्ट थर्ड योगा इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हो रहा है. मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पर मरीन ड्राइव पर इनिशिएट करने के लिए और थोड़ा सा एंथुजियाज्म बढ़ाने के लिए योगा के लिए सब लोगों के अंदर, क्योंकि योगा एक ऐसी पुरानी एक एक्सरसाइज की एक टेक्निक है जो सब लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि उसमें स्वस्थ रहता आदमी मन से भी तन से भी. तो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ एंड बाकी के एक्सरसाइजेज के साथ मैं उसको अपने रूटीन में इंक्लूड करता हूँ और उसके बहुत बेनिफिट्स और फ़ायदा हैं. एंड मैं चाहता हूँ कि लोग इसको प्रैक्टिस करें, योगा आसन्स को या प्राणायाम्स को, एंड ताकि वो अपनी आगे की ज़िंदगी स्वस्थ रखें. तीन साल से लगातार हम यहाँ योगा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के निमित्त. तीसरा वर्ष है. सबसे फिट मिनिस्टर है यहाँ गिरीश महाजन, सबसे फिट एक्टर है अरबाज खान, सबसे फिट ट्रेनर है मिकी मेहता. और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हेल्दी माइंड इज़ अ हेल्दी बॉडी. मोदी जी की शुरुआत से हम सब इतने प्रेरित हैं कि विश्व भर में आज भारत का नाम जाना जाता है योग के माध्यम से. और मैं मानती हूँ कि इफ़ वी रियली टेक इट सीरियसली इन अ सिटी लाइक मुंबई, वी विल ओनली बी दैट मच हैप्पियर एंड हेल्दियर. हाँ जी, देखिए आज दो साल कंप्लीट हुए हैं, तीसरी एनिवर्सरी या दूसरी एनिवर्सरी है. हम लोग ने शाइना एनसीजी के साथ, टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ करीबन डेढ़ लाख लोग यहाँ पर इनिशियलाइज हुए हैं योगा में. करो योग रहो निरोग, जैसे हमारे बाबा रामदेव जी कहते हैं. और योगा करने से हर मनुष्य जात की पीड़ा दूर हो सकती है, हमारा आध्यात्मिक भौतिक और मन का संतुलन हो सकता है, और विश्व विकास के लिए योग बहुत ही ज़रूरी है. और मैं आभार मानता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी का, जिन्होंने योगा को विश्व प्रसिद्ध बनाया. गुरुदेव जैसे बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर जी, सदगुरु जी, बीकेएस आयंगर जी, सब गुरुदेव को प्रणाम. थैंक यू वेरी मच शाइना जी, थैंक यू वेरी मच टाइम्स ऑफ इंडिया, थैंक्स अरबाज, थैंक यू गिरीश जी. तो शाइना जी को और टाइम्स ऑफ इंडिया, इनको मैं थैंक्स कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा है. मुझे लगता है आज
अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन, मोदी जी ने खाली देश को नहीं तो पूरे दुनिया को योगा सिखाया है और आज हिंदुस्तान ही नहीं तो पूरी दुनिया में ये योगा दिन मनाया जा रहा है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अगर खुद को स्वस्थ रखना है तो मुझे लगता है योगा के अलावा कोई दूसरा एक्सरसाइज दुनिया में नहीं है और इसीलिए आज पूरी दुनिया योगा के पीछे दौड़ रही है। पूरा विश्व आज योगामय हो गया है। अब जहाँ तक भी नज़र पहुँचेगी यहाँ वहाँ तक पूरे सब योगा ही करते लोग दिखाई दे रहे हैं और इसलिए मैं सबसे ज़्यादा तो मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगा यहाँ पर, जिन्होंने ये पूरे देश को, पूरे दुनिया को योगा सिखाया है। और आज हमारे साथ में प्रज्ञा पाटिल, जिन्होंने नासिक में कल ही पूरे 103 घंटा पूरा कंटिन्यू योगा कर एक विश्व में अपना रिकॉर्ड बनाया, गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया है, वो भी हमारे साथ में यहाँ पर आई हुई है। इसी आज आंतरराष्ट्रीय योगा दिवस अपन या ठिकाणी साजरा करत आहोत। मोदीजींनी देशालाच नाही तर पूर्ण विश्वाला, पूर्ण दुनियाला या ठिकाणी योगा हा शिकवलेला आहे। खरं म्हणजे ही आमची जुनी संस्कृती आहे, आमच्या देशापासून योगाची सुरुवात झालेली आहे। मानसिक असेल, शारीरिक असेल, तर मनाला स्वस्थ ठेवायचं असेल तर योगाशिवाय दुसरा कुठलाही व्यायाम या ठिकाणी नाही आहे। आणि आज म्हणून देशात नाही तर पूर्ण जगामध्ये आज योगा दिवस मनवला जातो आहे। सर्व जग आज योगामय झालेलं आहे। नहीं नहीं नहीं, हेलो हेलो, एक मिनट, आप मुझे लाइव चाहिए तो लाइव प्लीज प्लीज। चलो 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 चलो